Now next one, another program of number patterns. In that case you want to display given pattern. In that case we are providing total number of 4 rows and total number of 4 columns. This pattern can the total number of rows kitne define, there are 4 row and 4 columns. Like that. Again, almost same as stars. स्टार्स के केस में टू केसेस थे पॉसिबल. इस केस में पॉसिबल केस क्या है, या तो यानी एट ए टाइम आपको नंबर डिस्प्ले कराना है या फिर स्पेस, आइदर नंबर और स्पेस. स्पेस और नंबर को अगर लेकर बात की जाए तो एग्जैक्टली कंडीशंस कैसे होंगे, सेम एज इन केस ऑफ स्टार्स. इन दैट केस पहले तो मैं इस केस में फिल्टर क्या करूँगा, नंबर और स्टार्स इफ कंडीशंस फॉर स्टार्स. स्टार्स के केस में कंडीशन क्या होगा, इस मैट्रिक्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है. That one. इस केस में जितना भी लोअर केस एलिमेंट है राइट कॉर्नर के केस में मिस, इन दैट केस. इस केस में कंडीशंस क्या अप्लाई कर सकते हो, आईडी द कंडीशंस फॉर गिवन केस. वन मोर थिंग्स, इस केस में करंटली अगर कंडीशंस की बात करें, कंडीशंस प्रोवाइड कैसे करना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन अप टू एनी वैल्यू ऑफ एन. अगर करंट केस में केवल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4, अगर 4 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाए तो इस केस में आई और जे का एडिशन क्या रहा है, आई प्लस जे ग्रेटर देन, आई जे का एडिशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6. इन दैट केस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6. व्हाट इज द कंडीशंस फॉर गिवन केस. इस केस में कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, और वन मोर केस, ओनली अगर ग्रेटर देन कंडीशन अप्लाई करना है, इस केस में क्या आएगा, ग्रेटर देन 5 को आप राइट डाउन कर सकते हो एज एन प्लस 1. अगर एन वैल्यू 4 है देन 4 प्लस 1 इज 5. एन का वैल्यू अगर 5 है देन क्या है, 5 प्लस 1 इज 6. मीन से कंडीशन सभी केस में सेटिस्फाई हो, इसलिए डायनेमिक कंडीशन क्या रहेगा इस केस में, आई प्लस जे ग्रेटर देन एन प्लस 1. इस कंडीशंस के बेसिस पर सिंपली डिस्प्ले क्या करा लेंगे, आइदर स्पेस और स्टार्स रिक्वायर्ड पैटर्न. दिस इज द इफ कंडीशन. लेकिन इफ कंडीशन के केसेस में अदर थिंग क्या मैनेज करना है, एवरी टाइम नंबर्स नॉट अ स्टार. सबसे पहले कंडीशन से अप्लाई करेंगे, इफ आई प्लस जे एडिशन ऑफ आई एंड जे इज ग्रेटर देन एन प्लस 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन. अगर n का वैल्यू 4 है, आउटर लूप कितनी बार चलाएंगे, 4 टाइम. इनर लूप भी कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स. देन इफ कंडीशंस. नेक्स्ट वन, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन ट्रू होने के इसमें प्रिंट क्या कराना है, ओनली स्पेस, स्पेस इज देयर. बट सपोज दैट व्हाट हैपेंस व्हेन एवर दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स. अगर कंडीशन फॉल्स है, प्रीवियस केस में डायरेक्टली डिस्प्ले कराया था एवरी टाइम स्टार, लेकिन इस केस में डिफरेंट फ्रेंड नंबर डिस्प्ले हो रहा है. इन दैट केस, इस केस में फर्स्ट टाइम अगर jth लूप के रिस्पेक्ट में बात करें, i एंड j फर्स्ट रो के केस में डिस्प्ले क्या कराना है, ऑल वैल्यू ऑफ सेम एज j. जब फर्स्ट टाइम में लूप इनर लूप इटरेट होगा, इस केस में j का वैल्यू क्या होगा, 1 देन 2 देन 3 देन 4. नेक्स्ट टाइम फिर से जब इनर लूप चलेगा, अगेन नेक्स्ट टाइम इनर लूप के केस में फिर से अगेन j का इनिशियलाइजेशन किससे होगा, 1 से. तो फिर से किससे स्टार्ट हो रहा है, एवरी टाइम j से. फाइनली इस केस में डिस्प्ले क्या करा सकते हैं, सिंपली वैल्यू ऑफ j. प्रिंट एफ परसेंट डी डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ जे, देन क्लोजिंग आउटर, देन डिस्प्लेइंग और चेंजिंग द लाइन. रो को चेंज करने के लिए सिंपली रो को सेपरेट करने के लिए डिस्प्ले कराएंगे स्लैश एन, क्लोज इट, क्लोजिंग आउटर लूप, क्लोजिंग मेन फंक्शंस. इस गिवन कंडीशंस के बेसिस पर किसी भी रेंज को डिस्प्ले कराना पॉसिबल इन गिवन शेप और गिवन स्टाइल.